नमस्कार मित्रों, हमारे पुरानी पीढ़ी के लोग अपने जीवन में 100 दीपावली देख पाते थे, अर्थात 100 साल तक जी लेते थे। लेकिन आज के जमाने में 60 या 70 साल का जीवन भी अधिक माना जाता है, और उसमें भी जो लोग अच्छे होते हैं तो और भी कम उम्र में ही इस दुनिया को छोड़कर मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। आपने लोगों को कहते सुना होगा कि भगवान अच्छे लोगों को जल्दी बुला लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों दूसरों का भला करने वाले और अच्छे लोग बुरे और दुष्ट लोगों की तुलना में जल्दी मृत्यु को प्राप्त करते हैं? आपने लोगों को यह भी कहते हुए सुना होगा कि इस भले इंसान को इतनी जल्दी मौत क्यों आ गई और वह दुष्ट पापी अभी तक मरता क्यों नहीं है? क्या सच में ऐसा होता है? क्या सच में इसका कोई कारण है? अनेक ग्रंथों में इसके बारे में बताया गया है। आज की इसमें हम इन्हीं आधारों के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, क्योंकि ज्ञान और खुशियां बांटने से ही बढ़ती हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जाति ही ध्रुवो मृत्यु है। गीता में भगवान कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसका मृत्यु अवश्य ही होगा, और हमारे सनातन धर्म में माना जाता है कि किसी व्यक्ति के जन्म से पहले ही यह तय हो जाता है कि उसका जन्म कहाँ होगा, उसके माता पिता कौन होंगे, उसका विवाह किसके साथ होगा, यहाँ तक कि यह भी तय होता है कि उसकी मृत्यु कहाँ और कब होगी। सभी धर्मों में मृत्यु को एक अटल सत्य माना गया है, और जिसने जन्म लिया है उसे एक न एक दिन मरना ही पड़ता है। किसी का जीवन या मृत्यु भगवान के हाथों में होता है। आपने सुना होगा कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चलिए खिलौना। हम वो खिलौना हैं जिसकी चाबी भगवान के हाथों में होती है, और सभी चीज उनकी इच्छा से ही होती है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि भगवान हर अच्छे मनुष्य को किसी न किसी उद्देश्य के साथ ही इस मृत्यु लोक में भेजते हैं। जब वह उद्देश्य जल्दी पूरे हो जाते हैं तब भगवान उन्हें वापस बुला लेते हैं, अर्थात अच्छे लोगों की मृत्यु भी उनके अच्छे कर्मों पर ही निर्भर करती है। कलयुग के लक्षण में भी बताया गया है कि इस युग में पापी अधिक वर्ष तक जिएंगे और पुण्यात्मा जल्दी इस लोक को त्याग कर देंगे। इसके अलावा आपको यह भी बता दूं कि जो लोग यह कहते हैं कि मरने के बाद इंसान खाली हाथ जाता है, उन्हें यह जान लेना चाहिए कि तीन चीजें ऐसी हैं जो मरने के बाद भी उसके साथ जाती हैं। एक है संचित कर्म, दूसरा है स्मृति और तीसरी है जागृति। इसीलिए आप अब किसी से ये मत कहना कि आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। हमें कई बार लगता है कि कुछ भले लोग या हमारे परिजन थे जो भले थे, कभी किसी का बुरा नहीं किया था, कभी किसी को सताया नहीं था, फिर भी भगवान ने उनको अपने पास इतनी जल्दी क्यों बुला लिया? उन्हें तो अच्छे कामों के बदले में ज्यादा जीना चाहिए था, तो भगवान ने ऐसा क्यों किया? तो आइए इस बात को समझते हैं। आपने कई प्राचीन कथाओं में सुना होगा कि जब कोई ऋषि मुनि या भगवान किसी अप्सरा या देवता पर क्रोधित होते थे तो उसे सजा के तौर पर पृथ्वीलोक यानी मृत्युलोक में जन्म लेने का श्राप देते थे। यह मृत्युलोक दूसरे लोगों की तुलना में ऐसी भयानक और दुखदायक जगह है जहां सजा के तौर पर देवताओं और अप्सराओं को भेजा जाता था, और सजा मिलने पर वह देवता और अप्सरा गिड़गिड़ाते थे कि हे प्रभु, हमसे गलती हो गई, हमें माफ करें और हमारी सजा कम करें। यह मृत्युलोक समस्त ब्रह्मांड में न तो अच्छी जगह है और न ही बुरी जगह है। आप इसे कर्मभूमि भी कह सकते हैं, और कर्मों के हिसाब से ही आपकी आगे की यात्रा तय होती है। जब हम जन्म लेकर यहाँ आते हैं तो हमें इस मृत्युलोक की मायाजाल और मोह माया घेर लेती है, और हमें यह मृत्युलोक अच्छा लगने लगता है। हमें इस मृत्युलोक और यहाँ रहने वाले लोगों से मोह हो जाता है।
हम इस मृत्युलोक को छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं और हमारा कोई साथी इस लोक को छोड़कर चला जाता है तो भी हमें दुख होता है। जब किसी इंसान की मौत होती है तो वह जीवात्मा यमराज के वहां जाती है और वहां उसके कर्मों का लेखा जोखा होता है। उसमें देखा जाता है कि उस जीवात्मा ने अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं। अगर किसी जीवात्मा ने मृत्यु लोक में बहुत बुरे कर्म किए हैं, बहुत ज्यादा लोगों को सताया है, लूटा है, दुख पहुंचाया है, तो उसे दूसरे जन्म में उन सभी के साथ हिसाब चुकता करना पड़ता है और उसी कारण उस जीवात्मा को लंबा जीवन काल मिलता है। यदि जीवात्मा ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे अगले जन्म में कम सांसें दी जाती हैं। कई लोग कहते हैं कि अच्छे काम करने वाले को लंबा जीवन देना चाहिए और बुरे काम करने वालों को कम जीवन देना चाहिए, लेकिन भगवान ने जो व्यवस्था बनाई है वह सही और उत्तम है, क्योंकि इस मृत्यु लोक में रहना और जीवन व्यतीत करना हमारा लक्ष्य नहीं है। हम जीवात्माओं का अंतिम लक्ष्य तो परम पवित्र बनकर मोक्ष प्राप्त करना है और परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करना है। हर एक जन्म के साथ हमें अवसर मिलता है कि हम अपनी चेतना के स्तर को अच्छे काम करके ऊपर उठाएं, क्योंकि हम बुरे काम करते हैं तो हमारी चेतना का स्तर नीचे जाता है और हमें हजारों और कई बार तो करोड़ों सालों तक इस मृत्यु लोक में दुखों को झेलना पड़ता है। कहा जाता है कि एक जीवात्मा को 84 लाख बार इस संसार सागर के चक्कर काटने पड़ते हैं, तब जाकर उसे मोक्ष मिलता है। लेकिन जो जीवात्मा अच्छे हैं, भले काम करते हैं, वह जीवात्मा जल्द से जल्द शुद्धता प्राप्त कर ले और कुछ ही जन्मों में के बाद मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए परमात्मा उनका जीवन काल कम रखता है ताकि वह जीवात्मा इस मृत्यु लोक के कष्टों को कम सहन करें और परमधाम में जाकर परम शांति और परम आनंद को प्राप्त करें। और जिस जीवात्मा ने मृत्यु लोक में बुरे काम किए हैं उसे इस मृत्यु लोक की यातनाओं को ज्यादा देर तक सहन करना पड़ता है और कई हजारों लाखों जन्म के बाद ही उसकी आत्मा पवित्र होती है, तब जाकर उसे परमधाम की प्राप्ति होती है। दूसरी बात यह है कि हमारा इस मृत्यु लोक में जन्म किसी न किसी उद्देश्य से होता है और जब वह उद्देश्य पूरा हो जाता है तो भगवान हमें वापस बुला लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी लंबा जीवन जीने वाले लोगों ने पूर्व जन्म में बुरे काम ही किए हों, लेकिन वह अभी जीवित हैं तो इसका मतलब यह है कि उनके जीवन का उद्देश्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मित्रों, आप समझ गए होंगे कि अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। तो हमारे जो भी प्रियजन थे और जिनकी मृत्यु जल्दी ही हो गई हो, वो एक पवित्र आत्मा थे और जितने दिनों तक हमें उनका सानिध्य प्राप्त हुआ वह हमारा सौभाग्य था। उनकी मृत्यु के बाद हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि उनकी आत्मा जल्द से जल्द परमधाम को प्राप्त करे और परम शांति और परम आनंद को प्राप्त करे। यह जन्म मृत्यु का रहस्य कुछ ज्यादा ही गहरा होता है, जिसे देवता लोग भी नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए मित्रों, आज से अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए अपने गलत आदतों को छोड़कर अच्छे आदत अपनाएं, धर्म और तपस्या में मन लगाएं, क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और वही हमारा बेड़ा पार कर सकता है। तो मित्रों, आज की यह वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि हमारा मकसद भी हमारे धर्म का प्रचार करना ही है। इसलिए 5 लोगों तक यह वीडियो जरूर पहुंचाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।